हर खबर सच्चाई के साथ। स्मार्ट सिटी की बदलती तस्वीर से हैरान हुई पैनी नजर संस्था। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बरेली महानगर फिनिक्स मॉल के बगल में छोटी बिहार में स्मार्ट सिटी बरेली के दर्शन करने गई पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार अपनी टीम के साथ लोगों के बुलाने पर सोमवार को वहां पहुंची। बरेली का नाम स्मार्ट सिटी में आने से क्या बरेली स्मार्ट सिटी बन रहा है, यह जानने के लिए संस्था ने वहां पर क्षेत्रीय लोगों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ लिया। संस्था अध्यक्ष हैरान थी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यह क्या हो रहा है। छोटी बिहार वार्ड नंबर 3 व वार्ड नंबर 10 की उबड़ खाबड़ कच्ची गलियां व गलियों में बहता पानी नरकीय स्थिति को जन्म दे रहा है। पूरा इलाका कीचड़ से डूबा हुआ है। यह कीचड़ छोटी बिहार से लेकर महानगर के पावर हाउस केंद्र तक भरा हुआ है, जिसमें कीचड़ में घुसकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। इस दौरान संस्था अध्यक्ष ने कहा कि क्या इसी को जनता स्मार्ट सिटी समझे या इससे भी ज्यादा अच्छे दिन आने वाले हैं। देखें A1 न्यूज इंडिया के लिए परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये छोटी बिहार का मैं स्मार्ट सिटी दिखाना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय मेयर साहब जिला बरेली को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। और ये हम सभी लोग यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ये स्मार्ट सिटी के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए आए हैं। इसे देखें मेयर साहब की कितना बढ़िया स्मार्ट सिटी यहाँ के उनके सभासदों ने बनाया है। ये वार्ड नंबर 3 और वार्ड आधा पार्ट वार्ड नंबर 10 में लगता है। 10 और 3 की लड़ाई में ये है यहाँ का स्मार्ट सिटी। वो कहते हैं 10 वाले कहते हैं 3 वाले बनाएंगे, 3 वाले कहते हैं 10 वाले बनाएंगे, आखिर इसे कौन बनाएगा? और ये बात मैं माननीय मेयर साहब तक पहुंचाना चाहती हूं कि वो देखें क्या कागजों में तो नहीं स्मार्ट सिटी बन रहा है, वो कागजों से निकलकर धरातल पर आया है या नहीं आया है। इस चीज को मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि अगर इस तरीके का स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है तो कृपा करके ऐसे स्मार्ट सिटी को बनाना बंद कर दीजिए। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है, जनता इस बात का जवाब चाहती है। A1 न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।